असल वाले पहले पहले टू फाइव की उम्मीद कर चुके आप सब लोग ठीक हो गए। तो मैंने बोला आप दोहर की नमाज पढ़ी तो मैं सब तब तक की जरूर नमाज पढ़ी तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो वहाँ पर आज मैं नगेट्स पैक कर रही हूँ वहाँ पर आज मैं नगेट्स का सैंडविच बनाऊँगी इस बार मोलू मार्केट से भी हम लोग लाए थे। तो ये टोर्टिला ब्रेड है बहुत अच्छा लगता है और आज ये सोयाबीन का पापड़ भी है फ्राई करूँगी। साबुदाना है सोयाबीन में और ये जल्दी सोयाबीन बोल दी क्योंकि सोयाबीन साबुदाना तो सेम मिलता है उसका इसलिए गलती कभी कभी सोयाबीन को साबुदाना बोल देती है और साबुदाने का सोयाबीन। पापा जी की मैं चार मिनट नहीं थी बनने के लिए और ये जो भेड़िया मेरे मम्मी कह रही थी कि इसको दूध वाली चाय में डालूँगी ये काली चाय में डालेंगी। काली चाय में डालने बहुत अच्छा लगता है काली चाय बहुत अच्छा बनता है। चीनी की जगह में ये डालेंगी तो कहते हैं बहुत चीनी की जगह में ये डालेंगी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस देखिए नगेट सब रेडी हो गया है उसको निकाल दी प्लेट पर सर्व करिए वो निकाल ही गिर गया। यहाँ पर मैं काउंट काउंट कर करके रख रही हूँ तब मेरी मम्मी कहती काउंट करके रखो अगर एक भी नगेट्स गायब होगा फहद खाया रहेगा तो कोई भी खाया रहेगा उसका मिलेगा तो हम लोग उसको सैंडविच नहीं देंगे। फहद देखो कैसे कह रहा मुझे तो गाइस टोटल यहाँ पर है 14 नगेट्स। अब जा रहे यहाँ पर पापड़ सर रहे देखिए कलर कह रहे हैं इसका सोयाबीन को कलर ये नॉर्मल इसमें पिंक और येलो कलर डाल गाइस गाइस चाल रही थी अभी डाल दी तो गाइस हम लोग ये पर्सन आया तभी से साथ परेशान हो रहा कि हम लोग को कभी तरीका कभी तरीका क्योंकि साथ को ऐसा चीज बहुत पसंद है मुझे बोला बस पर क्या रही है साथ देखिए कितना शरारती है क्या कर रहा हूँ गेम खेल रहा है। तो गाइस कोई पैकेट खोल जाता तो मेरे मम्मी ला के रखी रहती है ब्लू वाला छोटा है येलो वाला मीडियम है और ग्रे वाला सबसे बड़ा है। तो देखिए ऐसे कोई भी चीज़ जरूर नहीं होता है मेरी मम्मी बंद करेंगे भी बहुत इजी होता है इससे करना बंद। ये कोई छोटा पैकेट के लिए है ये ऐसे नॉर्मल चिप्स चिप्स के लिए ये कोई बड़ा सा पैकेट है के लिए है। तो गाइस देखिए मेरे बाबा लोलू से ग्रेप्स लाते हैं और मेरे बाबा ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि कहाँ पर है कहाँ पर क्योंकि आप जब हम लोग को खांसी आती है हम लोग का शॉर्ट फॉर्ट हो जाता है हम लोग यही खाते हैं सर्दी हो जाती है इससे मेरे बाबा कहते हैं खांसी जल्दी ठीक होती है इसे खरीद के लाते हैं मेरे ठंडी में ज़्यादा खरीद कर आते हैं हम लोग फेवरेट है। तो देखिए हम लोग ये रोटी को गर्म करके पैकेट पर रख लेते हैं फिर इसमें बाइडी जिंजबल लगा देते हैं हम लोग ऐसे कर लेते हैं जो भी चीज़ हम लोग अंदर फिल करना होता है बीच में रख लेते हैं फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं ये रेडी हो गया है। तो हम लोग का रास्ता रेडी हो गया है चाय और सैंडविच पापड़ और चाय बस सही तभी हम लोग खाएंगे तो आप लोग को हम लोग खाने के बाद मिलते हैं पापा के जब हम लोग करवाएंगे और हम लोग के पास कल के वीडियो हम लोग कहते समय में आप लोग दिखाओगे।
तभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और नाश्ता करने के कुछ देर बाद, बहुत देर बाद हम लोग नहाए हैं, बहुत देर बाद नहीं हम लोग नहाए हैं तब बहुत देर बाद हम लोग फातिमा को हवा कर रहा है। अभी हाथ में गली चलिए और जब फातिमा अपना हवा कर लेंगे तो हम लोग जाएंगे छोड़ने के लिए लक स्टेशन पर, क्योंकि मेरे मामा गए हैं दुबई कई काम से। हम लोग कह रहे थे कि हम लोग के लिए कुछ लाना, तो बोले कि दुबई में मेरे का और गाड़ी का उनको सामान कुछ लाना था, तो इसलिए गए हैं। तो जब तक फातिमा वहाँ पर कर रही है हम लोग हमें पापा को वो चीज़ दिखा देते हो। तो देखिए कल हम लोग गए एक जगह पर, कहते वहाँ पर मेरे मामा ताबू डिलीवरी करते हैं, वही सब लोग लाए थे। ये देखिए ये है बेलन और ये फातिमा में खरीदिए, मैं ये खरीदी फातिमा ही खरीदिया, हमें कुछ पर रोटी फातिमा आटा ले लेती हूँ, मैं भी लेती हूँ। ये दोनों में 5 रियाल का मिला के, 1 5 रियाल का, दोनों मिला के 10 रियाल का, और ये किचन से छोटा सा 30 रियाल का, ये बड़ा है, और एक छोटा सा वहाँ पर मिल रहा था 15 रियाल का, लेकिन हम लोग बना लिया जाके लेकर हम लोग, तो दिखाती हूँ 30 रियाल का ये। और ये देखिए कितना क्यूट क्यूट इतना सामान है, ये देखिए हड्डी कस करने के लिए, माशाल्लाह हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, कितना क्यूट क्यूट है, तो इसलिए हम लोग ले रहे थे वापस के। ये देखिए फ्राई पैन है, ये कुकर, ये पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। देखिए चाय के लिए ये प्लेट, गुलू से तो खतरनाक सब कुछ चिपका होता है, और ये उल्टा नहीं था, ये सीधा था, तो मैं इसको उल्टा कर देता कि सर सब रखे। और ये सब देखिए कद्दू का सब डाल रखा, ये सब देखिए चम्मच, ये तो क्यूट है। ये देखिए ग्लास, और ये दोनों तो कटोरा है, और ये देखिए ये भी बेल रोटी बनाने वाला है। फ्राई पैन है, कटोरा बड़ा वाला, वो गैस, और ये हम लोग इसको प्लेट भी बना सकते हैं, किसी चीज़ का ढक्कन भी। तो ये देखिए गैस, ये गैस है, और ये सिलेंडर भी लगा है बैलून से इसको बांधे हुए, देखिए इतना क्यूट क्यूट है। तो स्टील का सिलेंडर मम्मी कहीं ठीक ले लो, तो ये सब सामान मुझे दिखाना था। और अभी मेरे मम्मी को सब बहुत अच्छे रेट में मिल गया था बर्तन है वो, ठीक है हम लोग आप लोग को बाद में दिखाएंगे। तो हम लोग ये भी लूलू बार के साथ आया, हम लोग को कल दिखाने भूल गए थे क्योंकि अंदर रख गया था। ये देखिए बर्फ बनाने वाला, इसको चॉकलेट भी आप लोग बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, जूस डाल के भी बर्फ जमा सकते हो, लेकिन गर्मी के मौसम में भी अभी हम लोग इसमें चॉकलेट। और ये देखिए ये है छोटा, और ये है वो हाथ बटन, मेरे पापा का हाथ चल जाता था हमारे, तो ये है ना, ये ऐसे करना, ये ऐसे अमर में डाल के इसकी अमर में ऐसे, ये भी बहुत अच्छा प्राइस में मिला था। वहाँ पर जब टॉस दिखा रहे थे मैं बोला था कि एक बार हम लोग दिखाएंगे बाद में ट्यूशन के बाद, जब उन लोग को ट्यूशन छोड़ेंगे, क्योंकि अभी लेट हो रहा बहुत ज़्यादा, तो बाद में अभी होमवर्क नहीं करी तो इसलिए टाइम लगेगा, तो बाद में आके हम ट्यूशन से जब लोग को ट्यूशन छोड़ेंगे तो दिखाएंगे। 6 पीस है, बहुत अच्छे रेट में मिल गया था, यह दुकान का नाम है बाहर। तो गाइस अभी हम लोग जाने लगे ट्यूशन छोड़ रहे, देखिए बात का बैग यहाँ पर रखा है, बात को अपने बैग है, देख लो शरारत कर रहे लोग, ये देख लो साथ का, साथ का बैग यहाँ पर है। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बात कर देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं कचरा फेंकना, ये देखिए, ये देखो फातिमा को सब लोग आ रहे हैं इधर, चलो चलते हैं, चलो देखिए गाइस मेरा कपड़े में बड़ा काम आ गया, चाबी रखे घर का, पर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बोरा लसा है मतलब कहते कि देखिए धनिया कितना अच्छा है ना, मतलब धनिया का सारा चूहा ही खा लिया, इन लोगों को कैसे दिखाया।
देखिए हम सब लोग रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा उगाए हमें दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। मेहंदी का देखिए कितना बड़ा पेड़ है, मेहंदी का खजूर मेहंदी। यहाँ जर्जी रुकाए हैं, टमाटर सब लोग बैठाए हुए हैं कतरे के घर में जो ड्राइवर लोग रहते हैं। चलो बच्चे आगे देखो। तो गाइस हम लोग ट्यूशन से वापस आ गए हैं। हम लोग तुम लोग को लेके जा रहे थे, उन लोग के ट्यूशन तो हम लोग को 26 मिनट लगा और आते हुए 18 मिनट लगा, क्योंकि उन लोग का बैग उन लोग कह रहे थे मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा। तो मैं और मम्मा सोच रहे मैं और मम्मा टांगे थे हम लोग, और हम लोग जब वापस आए तो 80 मिनट, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लोग इधर इधर हिल रहे थे ज़्यादा, इसलिए रुक रुक के कुछ करना रोकना पड़े इसलिए ज़्यादा टाइम लगाया। तभी हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे उन लोग को लेने 6 बजे। अगर भी वापस आते तो मुझे लगता है कि ऐशा क्या जान हो जाएगी, और बकाले से अगर कुछ नहीं हम लोग के टीचर के पास बकाले वहाँ से कुछ खाने के लिए लेंगे अपने लिए। तो देखिए गाइस नमाज पढ़ने के बाद जा रही है कपड़े को यहाँ पर हाई करने फिलाने। ये 2 दिन का सिर्फ कपड़ा ही है, देखिए 2 दिन का, सैटरडे और फ्राइडे का ही है, सैटरडे फ्राइडे का, हाँ सैटरडे जो हम लोग आज और कल निकाला तो सर भरा है। देखिए सोच रहे हम लोग कितना कपड़ा बदल देंगे, मैं नहीं बदलती, अरे भाई बहन लोग इतना ज़्यादा बदलते हैं। और अभी कपड़ा और तय भी करना अंदर है। तो देखिएगा अंधेरा हो गया, उन लोग को लेने जाना तो शायद और अंधेरा हो जाएगा। अभी अभी 6 बजे हम लोग निकलेंगे ना, अभी देखता कि कपड़ा फैला के और कपड़ा तय करूँगी और यहाँ से लकड़ी उठा के ले जाकर वहाँ रखूँगी। आज हम लोग बाहर क्या बनाएंगे, नमकीन गोश्त और वो रोटी बाहर बना लेंगे लकड़ी पे, तो मज़ा आएगा। लकड़ी सब तैयारी तक लाने से पहले तैयारी कर ले, सब लकड़ी ले जा रखा है और झाड़ू भी लगा रखा घर में। पहले देखिए कपड़ा फैलाऊंगी, कपड़ा फैलाने के बाद कपड़ा तय करूंगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद बाहर से लकड़ी ले जाऊंगी, गोश्त ढूंढ के रखूंगी, तब जाऊंगी लाने के लिए, जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम। तो गाइस हम लोग के बाबा नहीं, हम लोग को इतना गंदा लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा एकदम यार। सोने के टाइम सब लोग इतना ज़्यादा रोते हैं कि बाबा काश हो तक कि याद आते सब लोग का। कल जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद फौरन निकल गए थे, है ना मम्मी? हम लोग के बाबू लेके गए थे हम लोग को दरबू से आए कल। तो गाइस मेरे बाबा हम इससे पहले नहीं आएंगे, शायद पता नहीं कब आएंगे, हम लोग को नहीं पता है। और हम लोग लूलू और के थर्सडे को बाबा हम लोग को लेके गए थे, तो हम लोग कॉटन कैंडी का एक आइसक्रीम खरीदे थे, बहुत अच्छा लगता है वो, हम लोग एक बार रोज खरीदे थे तो आज खाएंगे हम लोग उसको, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस ये देखिए मेरे जर वो लकड़ी का तोड़े थे वह है, इसको जो छोटे छोटे टुकड़े उसको बाल्टी में रखी है कि ये भी काम आएगा। ये देखिए इतने बड़े बाल्टी में रखी है। देखिए इतना खत्म हो गया, तो देखिए गाइस कितना सारा लकड़ी, इससे भी छोटे छोटे लकड़ी जो कील से बड़ा वाले लकड़ी में था, लगा था बॉक्स शेप में, और ये जो तोड़े थे कुछ जो बड़ा बड़ा था बहुत पतला पतला वो है, और एकदम से जो छोटा छोटा है। तो
देखिए गाइस, ये बाबा का मेरे ऑफिस का कोट है। इसको रिवर खन प्रेस नहीं करते क्योंकि उनका एक मुझे गलती से बोलती ऑफिस का कर रहा था कि पैंट का कपड़ा घर पर नहीं प्रेस करती है, बाहर प्रेस करवाने के लिए भेजती है। और ये देखिए, ये कपड़ा है घर का जो यहाँ पर तय करेंगी। और हम लोग का स्कूल का ये ड्रेस है जो कि घर पर प्रेस करती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना गंदा है, यहाँ पर आएगी झाड़ू लगाएंगी। ये देखिए मेरे फालतू हरकत है। तो देखिए अब हम आ गए झाड़ू लगाने के लिए, अभी लगाएंगे। देखिए तो चलो स्लैम बनाते हैं, वो अभी पीएल सर सब से जिसका स्टिकर ग्रेड है। लिक्विड कोई भी कहीं का हो सकता, 1 फुल कप। अब चलो ग्लू लेते हैं, वाइट ग्लू। ग्लू कब डाल रहा है तो मैं थोड़ा सा स्लैम बनाऊंगी, फातिमा के अलावा कोई नहीं खेलेगा। चलो सोप डालते, थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। देखिए हम लोग मिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इतना अच्छा बन रहा है धीरे धीरे। ओके तो कह सकते सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बन गया है यह स्लैब, और पीसल थोड़ा सा यूज हुआ, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे। 1 कप फुल नहीं है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बस। कभी कभी नहीं बनता स्लैब, कभी कभी स्लैब अच्छे से नहीं बनता तो स्टिकी भी हो जाता, तो उसे हाथ से ऐसा करके सही करना पड़ता है। तो देखिए गाइस ये स्लैब बन गया, रेडी हो गया है। और हम लोग यहाँ पर 4% लाइक कप वो स्पेशल सब लिए थे, तो 3% यूज हुआ, 1% बची गया बहुत। तो गाइस देखिए स्लैब रेडी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना इसका कलर इतना अच्छा हुआ, बस आता ही बच गया है। अभी आशा की अजान हो गई है, हम लोग जल्दी से जाके बाहर से सामान बाहर रख के, और फिर साथ फादर फातिमा को लेके आएंगे उन लोग के ट्यूशन से। यही दोनों इंग्रेडिएंट्स से स्लैब रेडी है। आप लोग का 4 इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हो सकते हैं। 4 वो सोचते कि क्या, ये दोनों ग्लिटर और कलर। और अगर आप लोग को जिस भी कलर का बनाना हो तो आप लोग उस कलर को पहले बॉल में ग्लू डाल लो और वो कलर ले लो, और कलर को ग्लू के साथ मिक्स कर दो, फिर वो बन जाएगा। और कलर जो चाहिए वो जाएगा, फिर उसमें सोप डाल दो और ग्लिटर डाल दो, डाल लो। लेकिन मैं नहीं डालूँ क्योंकि इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है, प्लेन स्लाइम रही है। तो गाइस देखिए हम लोग निकल गए यहाँ पर उन लोग को ट्यूशन से लाने के लिए। देखिए इतनी सारी गाड़ी, हम लोग इतना मुश्किल से क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए अब सीधा हम लोग को वहाँ से सीधा जाना है मम्मी। हम लोग को उस बार 26 मिनट लगा था जाते हुए, अब देखते हैं कितना मिनट लगता है। 6 बज गया है वैसे भी, और मेरे मतलब 7। देखिए हम लोग जब बकाले में से कुछ लेंगे तो आप लोग दिखाएंगे कि क्या ले रहे हैं हम लोग, और उन लोग का लेने के बाद लेंगे। तो कहा मैं पूछ रही थी कि कितना मिनट हुआ अभी, ऐसा कि 6 सोच के कितना हुआ, क्योंकि अभी 50 पता होता कि 7 ही बच गया है। तो गलती से सेकंड बोली, मैं बोली सेकंड कहाँ से है, मैं समझ नहीं पाई सेकंड। तो बोले नहीं मतलब था मिनट, कितना मिनट हुआ। तो गाइस पैदल चलना, कहते कि गाड़ी से जाने से अच्छा पैदल चलना है ना मम्मी। हाँ वॉक भी हो जाता है, जैसे कि दरमियान में घर पर बैठे रहता है और अपना वजन बढ़ा जाता है, कम से कम वॉक कर रहे हैं ना मम्मी। देखिए हम लोग का शैडो, पहले जब हम लोग जो कि 5 या 6 साल के रहते थे तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग तो इतना छोटे, तो यहाँ पर हम लोग के शैडो में इतना लंबे क्यों लगते हैं, पता नहीं हम लोग को पता चल गया जब बड़े हो गए। तो हम लोग को ट्यूशन से लाए हैं बकाया में, हम लोग खरीद चुके थे, इतना ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे तो इससे हम लोग नहीं वीडियो बना पाए। फिर ये देखिए बहुत प्लेन साथ का ले लो, साथ का बैग ले लो। ओके
तो देखिए मम्मा 5 का बैग ली और मैं 7 का बैग ली। इतना इन लोग कह रहे कि मेरा दूध करो। हम लोग जब इन लोग को ले जा रहे थे तभी भी हम लोग इन लोग का बैग टांगे थे और अभी भी हम लोग घर वापस आ रहे तभी भी टांग क्या इन लोग का बैग। सोच रहे कितने गंदा बच्चा लोग। ये देखिए फात को फालतू काम कर रहा है, दूर अपने पैर से अड़बड़ ऐसे कर रहा उड़ा रहा। देखिए तो गाइस देख ली फात की हरकतें, देख ले ये देख लो चप्पल निकाल के फहद चल रहा है। गाइस क्या करेगा ओके तो ए गाड़ी यहाँ पर गाड़ी। तो देखिए गाइस हम लोग बोले थे फहद वहाँ पर खड़ा हुआ था, कह रहा था जब तुम लोग वहाँ पर यहाँ पर आ जाओगे तब मैं आऊँगा। देखिए कह रहा था कि वो कितना जल्दी दौड़ इतना जल्दी दौड़ के आ गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर घर पर पहुँच गए हैं और मैं यहाँ पर चाबी रखी हूँ निकाल रही हूँ। चलो खजाना इन लोग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।